आज के डेट में भैया हमनी के सनातन के खूबसूरती इहे है कि छोटा भाई बड़ भाई के सामने नजर उठा के बात ना कर सके। हमनी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का शिक्षा दिए कि अगर पिता के आज्ञा मान के एगो बड़ पुत्र वन में जाता तो छोट भाई राज करे के ना सोचलस, जाके बड़ भाई के खड़ाऊ लेके आई आ 14 बरिस तक राज के सिंहासन पर रख के खड़ाऊ राज कर। ये है हम लोगों का सनातन। कि भैया हमारे हवे राम जैसा, एगो छोट भाई बड़ भाई खाती कहता कि भैया हमारे हवे राम जैसा, आ मान ले हमके पराग जैसा। ये बतिया काहे कहता कि छोटका भैया के मेहरारू कह ले कि अब बहुत दिन हो गए, अब तनिसा किनारे किनारे हो जाए जाए। कि भैया हमारे हवे राम जैसा, मान ले हमके पराग जैसा। कि सोची है क्या बाबू आका सोची मारी होगा सोची मारी, कैसे के जई है अलगारी धनी के कोखिए के भाई, कैसे के जई है अलगारी धनी कोखिए के भाई। भैया हमारे हवे राम जैसा, मान ले हमके पराग जैसा। भैया हमारे हवे राम जैसा, मान ले हमके पराग जैसा। सोची है का बाबू आ कहा सोची मारी हो का सोची मारी, कैसे के जई है अलगारी ये धनी एक कोखी एक भारी, कैसे के जई है अलगारी ये धनी एक कोखी एक भारी, कैसे के जई है अलगारी ये धनी एक कोखी एक भारी, ये धनी एक कोखी एक भारी। ये अपना पत्नी से कहले कि कैसे के जईहे अलगाई ए धान एक के कोखिए के भाई, तो उनकर पत्नी कहली कि भैया ना भैया तो ठीक बाड़े, तू भौजी के सुना कहली हा। भैया पभारी से ठाई भाई, भैया पभारी से
डाइन हरी भौजी तोहार बड़ी डाइन हरी भैया पधारी से ठाइन हरी भौजी तोहार बड़ी डाइन हरी केहू के भरोसा नाही जेहे काला जुग में हो जेहे काला जुग में पानी मिलावेली सेठानी पानी मिलावेली सेठानी ए राजा हमर लइकन के दूध में पानी मिलावेली सेठानी ए राजा हमर लइकन के तब समझले हैं भैया कि इतना तो छोट बात होला। अरे पानी तो केहू भी दूध में मिला देला भैया। तिल जसपतिया के तार ना बनावा राही के नह के पहाड़ ना बनावा कि तू तो काल अलू हा भैया हमार हमार संगे जन्मल हुआ हमने एक के साथे पढ़ल है खेलल कूदल हुई भैया हमार हवे बाडू तू बहरी भाई के दर्द भला बुझी है कमे हरी भैया हमार हवे बाडू तू बहरी भाई के दर्द भला बुझे कमे हरी कहित भैया से दीगे समझारी होती है समझारी कैसे के जई है अलगारी ए धन एक को मिला के भारी कैसे के जई है अलगारी ए धन एक को मिला के भारी कैसे के जई है अलगारी आप ब्राह्मण है ना इसलिए मैं पैर छू लेता हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बच्चा भी होता है तो उनका भी हम लोग पैर छूते हैं ये मेरा संस्कार है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि आप पैर काहे छू लेते हैं पंडित जी कोई छोटा बच्चा लेकिन हम लोगों के यहाँ संस्कार दिया गया है कि ब्राह्मण के घर का बच्चा भी होगा तो हम और हम लोग के घर ये भी संस्कार दिया गया है कि कलाकार की कोई जात नहीं होती। नहीं ठीक ठीक है तो आप बड़े हैं आदरणीय है प्लीज ऐसा ऐसा पाप मत चढ़ाइएगा आगे से। पहले सबसे पहले जगत जननी माई जगदम्बा के सादर प्रणाम करते हुए एरुआ सबके भाई दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते तनी ताली बजा के आशीर्वाद दी जा। और आज हम बहुत घबराइल बानी घबराइल ऐसे बानी कि दुनिया के हर मंच पर हमने की गा के आगिल बनी जा
लेकिन इतना तबे घबराए नहीं जब हम विद्यापीठ में संगीत सीखत रही। हमार मैम रही संगीता घोष जी, उनका सामने गावे में इतना घबराहट होत रहे। और आज हम अपने दोनों बड़े पिताजी और पिताजी को लेके आए हैं वहां से आग्रह करके कि चलिए आप लोगों के लिए मैं कुछ गाना चाहता हूं। तो गार्जियन खड़े हैं तो उतना ही घबराहट हो रहा है जितना मैं मैम के सामने खड़ा होके गाता था। ये सम्मान है जी। हमने कि जब कुछ गावे शुरू कर लिया तो माई विंध्यवासिनी के नाम लेके शुरू करे नहीं जा, लेकिन अब बहुत समा बनल बा। हमने के इंडस्ट्री के बहुत ही सुरीली गायिका बिहेव में बहुत अच्छी अनुपमा जी इतना बढ़िया गईनी है। भाई हमार छोट चंदन चंचल जय हो जय हो। भाई रिशु बहुत बढ़िया गईला भाई, वाह एकदम गर्दा करत रह जाए से। आपका तो जवाब नहीं है। एक बार जयकारा लगी बोले माई विंध्यवासिनी की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार मस्त मेरे साथ बोल दीजिए, दोनों हाथ उठना चाहिए कि ओम नमः पार्वती पताये हारा हारा महादेव। वाह हमने के भजन हो गई, माई के नाम लिया गई, बाबा के नाम लिया गई। अब रुआ सब खाती दो लाइन हम कहल चाहते हैं।